हेलो फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया जम के भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ कर रही है और फॉरेन पॉलिसी की भी। वो कह रहे हैं कि भारत सही को किस तरीके से अमेरिका को भी काबू कर रखा है और रशिया को भी, और इस तरीके से देश चलाया जाता है, ना कि इमरान खान की तरीके से। ये सीधा स्टेटमेंट दे देता है वर्ल्ड मीडिया पे आके, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। असली डिप्लोमेसी तो इमरान खान को आती नहीं, इसी वजह से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला चल रहा है कि इमरान खान का जो रूस दौरा है उससे पहले ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। और रशिया से भी हमें क्या मिलेगा, क्या हम ये संकेत दे रहे हैं अमेरिका से हम अलग हो गए हैं। इसी वजह से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को किस तरीके से रोका जाए और क्या कहा जाए, जिसकी वजह से ये कोई बड़ा विवाद पैदा ना कर दे। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के पीछे नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि वो अमेरिकन कैंप में जा रहा है। अब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। इस सिचुएशन में आप जा रहे हैं रूस, पता नहीं, मेरा तो ख्याल है शायद कैंसिल ही हो जाए। ये कल जा रहे हैं या जी कल जा रहे हैं, दो रोज़ा दौरा है। लेकिन ये सारी जो फॉरेन पॉलिसी ये बना रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है। ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इनकी छुट्टी होने जा रही है अब, और इनकी इलेक्शन के अंदर पिटाई होने जा रही है। और आपके जो रिलेशन है वेस्ट के साथ बड़े तकड़े हैं, आप ओवरनाइट उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ओके गुड बाय अमेरिका एंड यू नो हेलो चाइना एंड हेलो रशिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। लेकिन कसूरी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कंडीशन में जिस तरह आपने बताया, ये खासा कंफ्यूजिंग टाइम है, तो पाकिस्तान के लिए वजीर आजम का ये अच्छा टाइम है वहां जाने का, नंबर वन। नंबर दो, क्या इससे वेस्ट अमेरिका और वेस्ट यूरोप को क्या मैसेज मिलेगा इससे? मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से पूछ रहा हूं। जी सुन लिया ना। जी जी मैं समझ गया। और हमें अपने रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिसी के बारे में। हिंदुस्तान मरा जा रहा है अमेरिका से, जो अपने ताल्लुकात इतने करीबी करना चाह रहा है जिसकी हद नहीं, और अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को अपना वो एलाई बनाए। लेकिन हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका ने और वेस्ट ने रेजोल्यूशन मूव किया यूक्रेन पे रूस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान ने नहीं वोट दिया। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के पीछे नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि वो अमेरिकन कैंप में जा रहा है। तो हमें भी एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखानी है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन हमें किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना। और फॉरेन ऑफिस तसलसल से कह रहा है कई महीने से कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और होना भी यूं चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है सबसे ज़्यादा अमरीका है, फिर बर्तानिया है, फिर यूरोपियन यूनियन है, तो इसलिए हमारे तो इंटरेस्ट में है। हमारे स्टूडेंट्स भी वेस्ट में पढ़ने जाते हैं। तो मैं कभी पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं रही कि वो किसी कैंप में जाए। और पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, पांचवीं छठी दुनिया की मजबूत फौज है, हमें क्या ज़रूरत है कि किसी का जम दुम छल्ला जाके बन जाए। हाँ, हमें क्लैरिटी के साथ मूव करना है। मुझे सर्टनटी है कि फॉरेन ऑफिस ने टोटल ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को दी होगी, ब्रीफिंग पेपर्स बनाए होंगे, और वो कोई वजह नहीं कि इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि जैसे हम वेस्ट के मुखालफत में रूस जा रहे हैं। अब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। इस सिचुएशन में आप जा रहे हैं रूस, पता नहीं, मेरा तो ख्याल है शायद कैंसिल ही हो जाए। ये कल जा रहे हैं या जी कल जा रहे हैं, दो रोज़ा दौरा है। लेकिन इसमें यूक्रेनी सफीर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने इमरान खान से ये अपील की है कि वो किरदार अदा करें इस मसले के हाल में। अच्छा, वो इमरान खान साहब कर सकते हैं? अपील नहीं की, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इनको इनके इनका तो हैसियत ही कोई नहीं है कि इनके साथ कोई अपील करे। आपको याद नहीं है कि जब ये खुद ही अपनी हैसियत बुलंद करने में शौक रखते थे, तो इन्होंने एक जगह पे वाशिंगटन में बैठ के, जब ये न्यूयॉर्क गए थे सितंबर ऑफ 2020 में, 19 में मेरा ख्याल है, ये 18 में था, और 19 में जब ये गए थे, और इन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक सालसी करवाने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगा। तो उसके साथ सऊदी अरेबिया में MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो नाराज़ हो गए, और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक नाराज़ है। और साथ इन्होंने वहाँ जाके ये भी अनाउंस कर दिया कि मलेशिया और टर्की के साथ मिलके ये एक नया इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ सऊदी अरेबिया फिर नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा OIC के तो हम हेड हैं, एक ही ब्लॉक है, और टर्की के साथ हमारे तलकात अच्छे नहीं हैं, और आप जो हैं वो मेहरबानी करके दूसरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो फॉरेन पॉलिसी ये बना रहे हैं, इससे पाकिस्तान को बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये जा रहे हैं इस स्टेज पे, ये सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को दिखाना चाह रहे हैं
कि हम मैं इधर हूँ, मैं इंडिया के साथ भी बात कर सकता हूँ, मैं रूस भी जा सकता हूँ, मैं भी सऊदी अरेबिया भी होके आया हूँ, मैं यूएन भी गया हूँ, मलेशिया भी मैं गया हूँ, ये अपनी, और मैं चाइना तो खैर हो ही के आया हूँ, ये दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इनकी छुट्टी होने जा रही है अब और इनकी इलेक्शन के अंदर पिटाई होने जा रही है। और मैं ऑनेस्टली आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स ऑब्जेक्टिवली, हाँ ये सब्जेक्टिवली नहीं मैं कह रहा, ये वाइप आउट हो जाएंगे। आपके जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ बड़े तकड़े हैं, आप ओवरनाइट उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ओके गुड बाय अमेरिका एंड यू नो हेलो चाइना एंड हेलो रशिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है ब्लॉक्स बन गए हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बट दीज फ्रैक्चर्स वी शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर एंड प्ले बिटवीन, आप कह लो बिटवीन द एक्सेस, डोंट टिल्ट ऑन वन साइड बिकॉज इफ यू टिल्ट, हम उस पोजिशन में नहीं है बार्गेनिंग पोजिशन में वेयर वी कैन ट्राई एंड डिक्टेट समबडी। सो हमारा एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो कि कॉरिडोर इसको सूट करता है, रशिया को भी सूट करता है, चाइना को भी सूट करता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी सूट करता है, और ऑन द अदर हैंड आपका जो हॉक उधर अमेरिकन बैठा है उसको सूट ये नहीं करता कि दे डोंट वॉन्ट समबडी टू हैव एक्सेस टू द वॉर्म वाटर्स विच अगेन क्रिएट्स अ टिल्ट एज फार एज ग्लोबल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। सो वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ये अपना इंटरेस्ट देखेंगे, पाकिस्तान हैज टू सी देयर ओन इंटरेस्ट। आई थिंक मोर लेस अ रोल ऑफ अ स्विस, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने प्ले किया है, आई थिंक वी शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ एन एशियन स्विट्जरलैंड एंड दैट इज द ओनली वे आउट। अगर आप टिल्ट करते हो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन एनीबॉडीज फेवर। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि हम तो एक ब्रिज बनना चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाज़ों को हल करने के लिए। और एक और इस वक्त पे आ जाते हैं जिस टाइम पे ये हो रहा है दौरा, इससे क्या हासिल होने जा रहा है या क्या स्ट्रेटेजिक, इसके स्ट्रेटेजिक ओपनिंग तो बहुत अच्छी है, यानी जाने का मतलब तो फायदे तो बहुत हो सकते हैं वहाँ जाने पर। हम शायद ब्लॉक से जो अमरीका के साथ हमें नत्थी किया जाता था उससे भी नज़र आया कि शायद हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन देखिए हमारी बुनियादी जो दो चीज़ें थी जिसके अंदर ये था कि हम कैंप पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आया कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स में का हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे ना चाहते हुए भी दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है, हमारा उस पर कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपको अमरीका और मगरब एक ब्लॉक बनता नजर आता है, नेटो जो कि बड़ी हद तक एक रूटीन फंक्शनिंग के अंदर था अब उसमें फिर से एक हरकत पैदा हो गई है। इस सवाल हमें आज अपने आप से पूछना है। देखिए याद रखिए कि चीन के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने पिछले ही हफ्ते ये ऐलान किया कि चीन हरगिज हरगिज रूस के ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें कि यूक्रेन की जो सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी है उसको निशाना बनाया जाए। तो चीन का अपना ये रवैया है। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जब हम तजिया करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि बावजूद इसके कि हमें रूस के साथ तल्लकात के अंदर बेहतरी चाहिए, लेकिन वह ऐसे वक्त में चाहिए जब किसी को वो चुभे ना। क्या हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट होगी इसको किसी और रंग में हमारे दोस्त ना सही लेकिन वो जो लोग मुखासमत रखते हैं कोई ऐसे रंग में पेश कर सकते हैं दुनिया भर में जिसमें पता ये लगे खुदा न खासा कि अब पाकिस्तान जो है वो अब रूस के उसमें चला गया है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें, ये सवालात हमारे ऊपर रहेंगे, हमें बहुत केयरफुली इसका नैरेटिव बिल्ड करना है, नैरेटिव पे लेके जाना है। और वो लोग जो कि समझते हैं कि चीन और रूस चूंकि अब एक ब्लॉक बन गया है पाकिस्तान को अमेरिका से जान छुड़ाने के लिए उनके साथ नजर आना चाहिए, वो बुनियादी गलती कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एनन्शिएट किया गया कि हम ये कभी नहीं करेंगे।